दोस्तों ये जो पाम दिखाई दे रहा है, ये पाम के अंदर में जितना स्पेयर पार्ट्स है वो कैसे ख़राब होते हैं और उसी के लिए कौन कौन सा प्रॉब्लम आते हैं, तो टोटल डिस्कस करेंगे। तो लगता है ऐसा वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा आपको, तो पूरा वीडियो स्किप ना करके देखते रहिए, तो बहुत बहुत फ़ायदा आएगा। ये वीडियो देखने की बाद दूसरा वीडियो और देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये है टोटल स्पेयर पार्ट्स पंप की। तो हम लोग परिचित होते हैं, ये है प्लंजर बॉडी और ये है डिलीवरी वेल्व, ये डिलीवरी वेल्व स्प्रिंग और ये प्लंजर पंप और ये स्प्रिंग और ये है कनेक्टर और ये है रूलर कैचर, ये स्क्रू लॉक स्क्रू और ये है फाइबर वॉशर और ये है कंट्रोलर, प्लंजर पिन का कंट्रोल करते हैं ये प्लंजर कंट्रोलर और ये है प्रेशर प्लेट। हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। टोटल कुल मिला के ये पंप बॉडी में फिटिंग होता है, फिटिंग होने के बाद पंप तैयार होता है और इंजन में फिट होता है। इसमें से कोई एक दुर्बल हो जाएगा और पंप नहीं काम करेगा। देखिए ये जो बॉडी के अंदर जो वो जो सफ़ेद वाला वो जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है बॉडी, उसके ऊपर पंप फिटिंग होता है। तो जिस बॉडी में इस जगह ख़राब होगा वो बॉडी फेंकना होगा क्योंकि वो नहीं चलेगा। तो पीछे की तरफ देखते हैं, चलिए ये देखिए, ये जो बीट दिखाई दे रहा है ये बीट के ऊपर ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग चढ़ता है और इसके ऊपर प्रेशर देता है। तो ये आगे का हिस्सा देखिए, ये सफ़ेद वाला हिस्सा और पीछे का हिस्सा एक ही बीट है। बॉडी के अंदर सबसे गुरुत्वपूर्ण पार्ट है इस जगह, क्योंकि डीजल और मोबिल का अलग करते हैं इस जगह दीवार बन के। तो ज़्यादा से ज़्यादा पंप में इसी जगह ख़राब होते हैं, तो इस जगह ख़राब होगा तो डीजल मोबिल के अंदर घुसता है। और ये है प्लंजर पंप, ये प्लंजर पंप के ऊपर ये जो फेस दिखाई दे रहा है ये फेस मिलता है बॉडी के अंदर, सफ़ेद वाला जगह दिखाया उस जगह में, तो यहाँ से लीकेज होगा तो डीजल इंजन के बॉडी के अंदर घुसता है। और ये है प्लंजर पिन, तो इसको हम खोलते हैं और ये देखिए यहाँ फिटिंग होता है, ऐसे फिटिंग होता है। ये जो कट है ये कट इस छेद के बराबर रखना होगा जब फिटिंग होगा। तो चलिए ये दिखाते हूँ, देखिए यहाँ फिटिंग होता है एकदम ऐसे ऐसे फिटिंग होगा। तो यहाँ से लीकेज, डीजल लीकेज होगा तो बॉडी के अंदर घुस जाएगा। और ये देखिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में ऐसे सीधा रखना होगा, यहाँ लॉक होता है, ये जो स्क्रू है ना लॉक स्क्रू, वो स्क्रू यहाँ लॉक करके रखता है बैरल को जो इधर उधर घूम ना जाए। ये देखिए ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू का काम है वो बैरल को लॉक करके रखते हैं। तो यहाँ फिटिंग होता है, तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये भी एक गुरुत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि देखिए ये स्क्रू ये बैरल को ऐसे लॉक करता है इस ग्रुप के अंदर घुस के। अगर ये बैरल इधर उधर घूमेगा तो तेल का टाइमिंग सही नहीं ही रहेगा, तो बैरल हल्के से घूम जाएगा तो बैरल में थोड़ा तेल कम देगा या तो फिर ज़्यादा देगा, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी चलिए देखते हैं इस बॉडी के अंदर कौन सा जगह ख़राब होते हैं। देखिए हम लोग ये जो प्लंजर बैरल जब यहाँ फिटिंग करते हैं तब हम लोग कनेक्टर के ऊपर बहुत सारे प्रेशर देते हैं और ये सफ़ेद जगह टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद ही वो डीजल इंजन के बॉडी में अंदर घुस जाते हैं। तो चलिए हम लोग ये प्लंजर बैरल लेते हैं, ये देखिए ये बैरल उस जगह में फिटिंग होता है, तो बहुत सारे प्रेशर देने के बाद ही वो जगह टूट जाते हैं और डीजल अंदर घुसता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो धागा दिखाई दे रहा है ये धागा में हम लोग थोड़ा यहाँ लिपट लेंगे, तो ये डीजल घुसने का चांस नहीं रहेगा, तो चलिए इसको लिपट लेते हैं। देखिए ये पंप ख़राब होगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम और मिसफायर आता है,
और लोड नहीं लेता है। तो देखिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ये छेद बराबर रखेंगे और फिटिंग करेंगे। तो देखिए ये बैरल ज़्यादा दिन चलेगा तो इसके अंदर क्रैश आ जाएगा। क्रैश आने की बाद ही इसका तेल का प्रेशर नहीं आते हैं और स्टार्टिंग प्रॉब्लम आते हैं और लोड भी ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये प्लंजर पंप हम लोग फेंकते हैं। तो ये ग्रुप सही रखना होगा, इसका तेल का टाइमिंग सही रखता है। ये स्क्रू यहाँ फिटिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ एक फाइबर वर्सल है, ये देखिए ये वर्सल यहाँ देना होगा, क्योंकि ये वर्सल नहीं देंगे तो ये बॉडी और स्क्रू के अंदर गैप रहेगा, यहाँ से तेल लीकेज करेगा और यहाँ से हवा अंदर घुसेगा तो इंजन अप डाउन करेगा। तो यहाँ फिटिंग होता है, चलिए हम लोग यहाँ फिटिंग कर देते हैं। अभी देखना होगा बैरल सही पोजीशन में है कि नहीं, थोड़ा हिला के देखना होगा। तो ये थोड़ा इधर उधर घूम जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। एकदम ओके, पेशकश की मदद से अच्छी तरह टाइट देने के बाद हिला के देखना होगा, ये हिलेगा तो सही है। तो अभी पीछे की तरफ देखिए, ये जो प्लंजर का जो बैरल है, बैरल के साइड में जो कैप है, ये कैप के अंदर ये स्प्रिंग घुस जाएगा। तो ये देखिए ये है डीवी पहले की। तो ये देखिए इसका कोई प्रेशर नहीं ले रहा है, ये क्रैश हो गई तो ये फेंकना होगा, तो नया दे देंगे हम लोग। तो ये डिलीवरी वाल्व ख़राब होगा तो क्या होगा, देखिए पहले तो नोजल में तेल का आवाज़ नहीं आएगा और तेल का प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसका काम है तेल का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर को लॉक करके रखता है। तो ये ख़राब होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, मिसफायर आएगा, लोड नहीं लेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगा। ये डिलीवरी वाल्व ख़राब होगा तो डिलीवरी वाल्व के ऊपर जो फाइबर का वर्सल दिखाई दे रहा है, वो वर्सल प्रेशर को अलग करने के लिए काम आते हैं। वो वर्सल के ऊपर ये कनेक्टर का जो फेज है, ये फेज रहता है, ये कनेक्टर के अंदर बहुत बहुत तेल का प्रेशर आते हैं। तो ये प्रेशर को रोकने का काम करता है डिलीवरी वाल्व। कनेक्टर के अंदर में ये फेज दिखाई दे रहा है, वो फेज में रहता है डिलीवरी प्रेशर स्प्रिंग। देखिए डिलीवरी वाल्व और स्प्रिंग ख़राब होगा तो ये बार बार नोजल सीज हो जाते हैं। इसका काम क्या है, देखिए डिलीवरी वाल्व का जो पिन है, पिन को दबाने का काम करता है ये स्प्रिंग। ये कनेक्टर के अंदर ऐसे ही लूज रहना चाहिए, वरना टाइट हो जाएगा तो ये प्रेशर रोकने का काम नहीं कर पाएगा। ये कनेक्टर का काम क्या है, देखिए डिलीवरी वाल्व से जितना तेल आएगा कनेक्टर के अंदर प्रेशर होगा, वो प्रेशर नोजल तक पहुँचना, ऐसे ही काम है कनेक्टर का। अभी देखिए आगे का काम कर दिया, अभी पीछे का काम बाकी है। तो ये है प्लंजर पिन, ये डीजल को पंपिंग करने की काम करता है। और ये है प्रेशर प्लेट, ये प्रेशर प्लेट की दोनों तरफ दो फेज है, एक पिन के तरफ रहेगा इस साइड और दूसरा साइड स्प्रिंग की तरफ रहता है। तो देखिए पिन के तरफ जो फेज है वो फेज थोड़ा घिस गया, तो कैसे घिसता है देखिए, ये जो पिन है ना, ये पिन प्लेट के अंदर रहता है और ये फेस के ऊपर रहता है। जब पिन इधर उधर घूमता है तभी ये घिसता है। तो ये प्लेट ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो इंजन में लोड नहीं लेगा, क्योंकि ये डीजल खींचने का काम करता है। और ये प्लेट के ऊपर चढ़ता है ये रूलर कैचर, ये रूलर कैचर का ऊपर का जो फेज है, ये फेज प्लेट के ऊपर टच होता है और ऐसे ये पिन ऐसे घूमता है, ये प्लेट के ऊपर ऐसे टच होता है और प्लेट डाउन हो जाते हैं। और एक चीज़ होता है, रूलर कैचर का फेस डाउन हो जाने के कारण में ये पिन टाइट हो जाते हैं उसके अंदर, और कंट्रोलर सही तरह पिन को घुमा नहीं पाते हैं, इसलिए इंजन में धीमी तेज होता है। ये है कंट्रोलर, ये देखिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पिन के ग्रुप में
घुस जाएगा। इसका काम है पिन को इधर उधर हिलाना। ये रहता है ये कैचर के अंदर। ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो जब ये कैचर का फेज डाउन हो जाते हैं तो पिन टाइट हो जाते हैं, इसलिए ये कंट्रोलर टाइट हो जाते हैं और इंजन में धीमीते जाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम बहुत बहुत आते हैं, तो इसका ध्यान देना चाहिए जब फिटिंग करेंगे। तो खास करके ये कैचर और प्रेशर प्लेट को बहुत अच्छी तरह ध्यान देना होता है। और ये है प्रेशर स्प्रिंग। इसका काम है पीछे में जितना स्पेयर पार्ट्स है टोटल को वापस भेजना। तो ये रहता है ये बॉडी के ऊपर, और प्लंजर का जो बैरल दिखाई दे रहा है वो स्प्रिंग के अंदर घुस जाएगा और ये बॉडी में टच होगा। तो इसके ऊपर ये प्लेट रहेगा, प्रेशर प्लेट। ये स्प्रिंग के ऊपर हर टाइम दबता है। स्प्रिंग का साइड में जो फेज है वो ख़राब नहीं होगा। ख़राब होता है ये पिन का साइड का जो फेज है, वो फेज ख़राब हो जाते हैं। ये प्लेट के अंदर ये पिन घुसता है, और पिन ख़राब होता है तो तेल देना बंद हो जाता है और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आते हैं, लोड भी कम लेता है। तो इस बराबर रहेगा तो हम लोग घुसा देते हैं। ये देखिए ऐसे घुस जाएगा। तो ये पिन का हर टाइम दबाता है वो जो रूलर कैचर, वो कैचर हर टाइम दबाता है। और ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप ऐसे ही ऊपर में रहेगा। ये देखिए ऐसे रहेगा, और पिन के ऊपर चढ़ेगा ये कंट्रोलर। ये जो फेज है इस साइड ऐसे घुसता है, ऐसे घुसेगा और पिन के अंदर घुस जाएगा। थोड़ा दबाने की बाद ही वो घुसेगा, पिन को दबाना होगा ऐसे। बस ये चला गया। अभी इस ग्रुप के अंदर घुसाना चाहिए ऐसे। बस ऐसे घूमेगा और ऐसे इधर उधर हिलाएगा। ये कंट्रोलर का काम ऐसे ही। और ये जो कैचर है इसके अंदर देखिए कहाँ कहाँ टच हुआ है, बीच में और साइड में और फेज के ऊपर। ये देखिए ये जो फेज दिखाई दे रहा है, ये फेज डाउन हो जाएगा तो पिन टाइट हो जाएगा, कंट्रोलर टाइट हो जाएगा, अप डाउन करेगा और दबाता है पिन को ये बीच में। ये बीच में टच होता है पिन का, और साइड में जो टच हुआ है वो कंट्रोलर का, और ऊपर का फेज टच होता है वो प्लेट के ऊपर। तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ बैठ जाते हैं और पिन टाइट हो जाते हैं, कंट्रोलर भी टाइट हो जाते हैं। और ये पिन और कंट्रोलर, ये देखिए ये घिसने का ये दाग है, ये देखिए सफ़ेद हो गई। टोटल स्पेयर पार्ट्स को दबाने का काम करता है ये रूलर कैचर, और ये फिट होता है कैमशाफ्ट के ऊपर। तो ये टोटल काम हो गई, ऐसे ही दबाता है। तो यहाँ और एक काम है, यह देखिए एक पिन है, ये पिन एक साइड मोटा और एक साइड पतली है। तो बॉडी के अंदर भी ऐसे ही छेद है, तो ये पिन लॉक करके रखता है वो कैचर को। तो ये देखिए ऐसे दबाने की बात, ये जो छेद दिखाई दे रहा है ये देखिए इस साइड में घुसेगा। एक साइड पतला एक साइड मोटा है, तो ये मोटा वाला ऐसे दोगे तो नहीं घुसेगा, तो पतली वाला देना होगा ऐसे। ये देखिए घुस गया। लॉक करने के बाद ये कंट्रोलर सही तरह हिल रहा है कि नहीं ये देखना होगा। ये देखिए लॉक हो गई, अभी सही तरह हिल रहा है कि नहीं ये देखना होगा। तो ये वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए आप कहां से देख रहे हो। मुझे जानकारी मिले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मेरा जो वीडियो है ये बहुत दूर दूर तक गांव में जाना चाहिए, क्योंकि ये फार्मर के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो मेरा चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो है, हो सके तो मेरा चैनल में घुसिए।